बच्चा लोगों का खेलने के लिए यहाँ पे बहुत सारा सामान है। दोस्तों स्वागत है आज के इस ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हम जा रहे हैं एक नए ब्लॉग बनाने के लिए, जिसे भाटिया पार्क के नाम से जानते हैं, जो कदमा जमशेदपुर के कदमा में स्थित है, भाटिया बस्ती में। तो चलिए दोस्तों, भाटिया पार्क का ये गेट हो गया, यहाँ से हम लोग इंटर करते हैं। ये गेट से इंटर करते हैं, इंटर करके बहुत साफ है, क्लीन है। ये पार्क विशेष करके सुबह और शाम को आदमी लोग, बच्चा लोग यहाँ पे खेलने के लिए और आदमी लोग टहलने के लिए आते हैं, फैमिली के साथ में घूमने भी आते हैं और वॉकिंग करते हैं। बाकी टाइम पे यहाँ पे इंटर होने नहीं दिया जाता है। सुबह 5 से 8 टाइम है और शाम के टाइम में 5 से 8 बजे तक। आप भी अगर कभी आना चाहें तो या तो आप सुबह आएँ, 5 से 8 बजे तक टाइमिंग है, क्योंकि उसके बाद आएंगे तो आपको यहाँ पे इंटर होने नहीं दिया जाएगा। और देख रहे हैं यहाँ पे जगह जगह पे बैठने के लिए भी बनाया गया है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग और बड़े लोग भी आए हैं, बच्चे लोगों का खेलने के लिए यहाँ पे जगह जगह पे बनाया गया है, जगह जगह पे बैठने के लिए भी बनाया गया है। आप देख सकते हैं, देख रहे हो बच्चे लोग खेल रहे हैं। ये जस्ट लाइक साइकिलिंग जो हम लोग करते हैं उसी के डिजाइन में बनाया गया है। देख सकते हैं साइकिलिंग कर रहा है बच्चा, खेलने के लिए बहुत अच्छा चीज है। हाँ देख रहे हो, ये झूला है बच्चा लोगों का, तो पकड़ने के लिए और नीचे उसमें खड़ा होकर झूलते हैं, और ये ऊपर चढ़ के बैठने के लिए है। बच्चा लोगों का खेलने के लिए यहाँ पे बहुत सारा सामान है। बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे खेलने के लिए बच्चों के लिए। अगर आप भी कभी आए यहाँ पे फैमिली बच्चों के साथ में, तो आपके आपके साथ में आपका बच्चा का भी बहुत इंटरटेनमेंट हो जाएगा। यहाँ पे अभी कार्य भी चल रहे हैं, जैसे सामने देख रहे हैं आप वर्कर लोग काम करते हुए। ये पार्क अभी और भी कुछ बनाने का है, इसीलिए यहाँ पे काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। और हर जगह पे बैठने के लिए बनाया गया है, ताकि यहाँ पे व्यक्ति आए अपने फैमिली के साथ में और यहाँ पे आके बैठ सके, खेल सके बच्चे लोगों के साथ में। बहुत अच्छा तरह से सब कुछ और एकदम क्लीन, साफ सुथरा है। ये नहीं कि कहीं पे गंदगी आपको देखने को मिले। और ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी सुंदर डिजाइन किया हुआ है, बहुत अच्छा देखने में लग रहा है। हमने ही एक नदी है, स्वर्णरेखा नदी के नाम से जानते हैं इसको हम लोग। ये जो देख रहे हैं आप, इसमें वेलकम लिखा हुआ है।
देख सकते हैं ये लोग जो है अभी फूल लगा रहे हैं, जो कि फरवरी मार्च में देखने में और भी सुंदर लगेगा जब फूल का पौधा हो जाएगा और वो देखने में अच्छा लगेगा फूल जब खिल जाएगा। और वो सामने देख सकते हैं लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, एक्सरसाइज करना चाहिए। आप देख सकते हैं कितने हरा भरा है, कहीं भी आप बैठना चाहें हर जगह एकदम साफ है। और घास की कटाई, पेड़ जो लगाया गया पौधा सब, वो सब की कटाई जो एक डिजाइनिंग के रूप में जो बनाता है वो कटिंग होती रहता है हमेशा। यहाँ पे वर्कर लोग काम करते हैं, इसकी देखरेख करते हैं, सिक्योरिटी है। लोग यहाँ पे आके खेलते हुए उछल कूद कर रहे हैं, आप भी देख सकते हैं। अक्सर सामने से जितने भी बच्चे लोग हैं अक्सर आते हैं यहाँ पे आते हैं, बड़े लोग भी आके टहलते हैं, देख रहे हैं बच्चे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। और जो भी नए देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में।